नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो सुन लो, लॉरेंस बिश्नोई, तूने सलमान पे गोली चलाई मुंबई के अंदर, मैंने एक विषय बोला और खत्म, उसके बाद बोला नहीं। दूसरी, तूने बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया, उनको शहीद करा दिया। अब तू कभी इंटरव्यू में बोलता है कि सब भाई मैं तो स्टूडेंट हूं, उस पर तो आरोप लग रहे हैं, फिर बोलता है कि हमने मारा है। तो एक चीज बोल कि तू करना क्या चाहता है, ये अंडरवर्ल्ड को बढ़ावा देना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर, डॉन बनना चाहता है। अगर एक हिंदुत्ववादी डॉन बनना चाहता है, हिंदुत्ववादी डॉन, तो मैं तुझे एक चीज कहूंगा, ये हिंदुत्ववादी डॉन बहुत अच्छी बात है, बनो, बहुत अच्छी बात है। धर्म के खिलाफ आवाज उठाना बहुत अच्छी बात है लॉरेंस, लेकिन दहशत फैलाना ये गैंगवार। और तू हिंदुत्ववादी डॉन नहीं रहा, तू एक गैंगवार रहा, और तूने गैंगवार शुरू कर दी मुंबई जैसे नगर की, और तू ये भूल गया, और तेरे दिमाग में सिर्फ यही आ गया लॉरेंस, तेरे दिमाग में आ गया कि सिर्फ कानून है, कानून ही उठा सकता है, जेल में डाल सकता है, मर्डर कर सकता है। हम लोग मर्डर करेगा और कानून जेल में उठाएगा, डालेगा 5 साल 10 साल लाइफ, मकोका बोचका गैंगस्टर रासुका है ना, निशा एमपीडी गैंगवार, ऐसे कलम लगेंगे और फिर हमारे लड़के बाहर, तो सजा लगेगी, पैरोल लेके और जब करके भाग जाएंगे, इंडिया छोड़ के कंट्री ऑफ छोड़ देंगे। तो लॉरेंस सुन, तू अभी बहुत बच्चा है, जिस समुद्र में तू तैर रहा है ना, वो समुद्र के तैराक और शार्क मछली डैम, सुन लिए? मैं उन मेरे भाइयों को बोलूंगा जो मेरी फिक्र कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा, तो सुनो मेरे भाइयों, बोलने वाला हूं तुम लोगों को, सुनो, मेरी फिक्र मत करो मेरे भाई, थैंक यू, शुक्रिया, लव यू, मेरे लिए दुआ करो, दुआ, क्योंकि मुंबई के अंदर है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो हादसा हुआ है, सबसे गलत, सबसे घटिया, मुंबई को एक बार फिर चैलेंज किया गया, एक चैलेंज दिया गया है मुंबई नगरी को, मुंबई शहर को, कि हम मुंबई में जिसे चाहे उसे मार देंगे। और लॉरेंस बिश्नोई ने एक चीज बोला कि पुलिस सिक्योरिटी सलमान की हटा लो, फिर दिखाएंगे पब्लिक सिटी क्या होती है। मैं बोलू एक बात लॉरेंस, मुंबई के तूने है ना, जो मुंबई नगरी के अंदर जो सोए हुए थे, जो सोए हुए थे, जो अपने बीवी बच्चों की परवरिश में लगे हुए थे, उन लोगों को फिर जगा दिया। छोटे छोटे लॉरेंस, तूने उन लोगों को जगा दिया, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्या वो धमकी देते हैं ना रे, वो बच्चा किसी मुनवर फारूक की, वो बच्चे को तूने धमकी दी, फिर वो क्या लगता है रे? हम लोग यूट्यूबर है, हम लोग इंस्टाग्रामर है, क्या लगते है? लोगों को लगता है कि हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आते हैं, हमें अभी आने लगी हम लोग सोशल मीडिया, समझा क्या? ऐसा कर ला, डाउनलोड ही हम लोग अभी आ रहे, सुन रहे क्या? मौत का डर तेरे को नहीं है क्या रे बिश्नोई? डर है क्या नहीं? अरे चूती है, सुन, तेरी बात से ना, मैंने तेरा इंटरव्यू देखा, क्या इंटरव्यू देखता है यार, एक्सीलेंट है तू, बात करने का, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, एजुकेशन तेरे में सब है, अच्छा तू मिनिस्टर बनता ना तो शायद तू तेरे स्टेट या देश के लिए कुछ कर जाता, तू गैंगवार बन गया,
और जो तेरे सपोर्टर है, जो बड़ी बड़ी बात करते है, जो तू 18-20 साल के आज के नए बच्चों को लेकर तू गैंगवार सिखा है, और सुनने में आता 1000 से भी ज्यादा लोग है तेरे साथ, 1000 से भी ज्यादा तेरी गैंग में। तेरे को मालूम है हमारी गैंग में कितने लोग, हमारी गैंग में कितने लोग है तेरे को ये मालूम है? ये मालूम है? अरे मुंबई के उन सोए हुए शेरों को मत जगा बिस्मिल्लाह, जो ओपन चैलेंज की बात हो जाती। और ये सलमान खान को तो क्या चूतिया समझता है क्या? चूते बीते समझता है? तेरे को मालूम है वो तेरे को जवाब देना नहीं चाहता था, अभी भी खामोश है। मैं सलमान के हमदर्दी में नहीं बोल रहा हूं, मुझे हमदर्दी है बाबा सिद्दीकी से। बहुत से लोग है जो मुंबई में सिर्फ फोटो खींचाते, देख अपनी टच सिर्फ टचेस बताते, बाबा सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के साथ फोटो टच है। अरे भाई था मेरा, सुन बाबा सिद्दीकी भाई था मेरा, सुन रहा है? ठोक मुझे क्या ठोक, भाई था मेरा। और हम वो भाई थे जो कभी फोटो बादशाहगिरी नहीं की, हम कभी यहां पे मिले ही नहीं। सुन तो चूतिया समझता था क्या बाबा सिद्दीकी को? समझता चूतिया समझता था? हाँ, अब वो घर परिवार वाले सीधे जिसान विशान, ये जो MLA वो सब सीधे लोग है, ये बच्चे सीधे। तू किसको खुजाया, तू किसको कब्रिस्तान तक पहुंचाया तेरे को मालूम है? वो सलमान ने, और सलमान को तू क्या समझ रहा है किधर तक पहुंचे उसकी? तेरे को ये पता है उसकी टच और उसकी पहुंच पता है क्या तेरे? अरे वो तो गली में थे, तेरे को कुछ कर रहा नहीं है, वो कानून से सहारा लेने की सोच रहा है और कानून अपना काम करेगा। नहीं तू 5 मिनट का खेलता रहे, तू विश्वल 5 मिनट का खेल है तू। तुम डायरेक्ट ओपन चैलेंज है मुसलमानों को मुंबई में मारूंगे, जो तेरे खिलाफ खड़ा रहेगा उसको मारेंगे, कांग्रेस के अंदर जो नेता रहेगा उसको मारेंगे, सिद्धू मूसा वाले को मारे। हाँ तेरे आखिरी दिन आ गए सर, मेरे को लग रहा है, इसमें ओपन बोल रहा हूं मैं, मुंबई पुलिस को मैं भी बोलता हूं क्या, हट जाओ, घंटे भर का टाइम हमारे को भी दे दो, लॉरेंस से भिड़ने दे दो हमारे को भी टाइम। मुंबई में गैंगवार दिखा रहे ना वो, हम जयपुर में गैंगवार दिखा, मत कर लॉरेंस, जो है सच कैमरे पे आके बोल बोलू ना। और मेरे भाइयों, तुम लोगों को मैं एक चीज कहूंगा जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, भाई मैं YouTube Instagram पे अब आया हूं 1.5 साल से। लॉरेंस, जिस तालाब के अंदर से तू निकल के समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा है ना, तू मेरे कराची तक के आंख फैले हुए, मेरे लंदन अमेरिका, एक बात बोलू क्या, ये लंदन अमेरिका में जाके तो लॉन्ड्री की दुकान, जो होटलों में नौकरी करके फिर यहाँ के बॉस बन जाते ना, को हल करके चार झोंकरे खड़ा करके, उनको पिस्टल दिला के, उनको रिवॉल्वर है दिला करके, उल्टे फायरिंग कर दो 50,000 दे के उन बच्चों को, ये बहुत पुराना खेल रहे, आज जो तू खेल रहे ना ये बहुत पुराना खेल है। पूरी बनकर अपना जेल काट, तू जेल में, जेल माने रेल, अपना स्टेशन आएगा उतर, बाहर राजनीति में आ, अच्छी फैन फॉलोइंग है, MLA MP आगे आगे मिनिस्टर CM बन सकता है, और तेरे जैसे लड़कों की जरूरत है इस देश को, तेरे जैसे एडुकेशन पढ़े लिखे लड़कों की जरूरत है, समझा जरूरत। और सुन ले, मुंबई के तूने ना चैलेंज करके मुंबई के उन सोए हुए शेरों को फिर से जगा दिया, जगा दिया, क्या लगता है तेरे को? 1000 रन की फौज है तेरी, अब बोल रहा हूं समझ ले, 1000 की फौज है तेरी। अरे मैं राज चलते वालों को जवाब नहीं देता रे, मैं अच्छे बच्चों को जवाब देता रे, जो रोड के गली कूचे के जो शाने निकल के भाईगिरी पटेली करते है ना, मैं उनको जवाब नहीं देता। तू आया बराबर हमारे बराबर गैंगवार आया, तू हिस्ट्री पता कर,
ठोके देगा। हाँ, ओपन चैलेंज, मैं पुलिस के पास जाके बोलूंगा ने साहब मेरे को प्रोटेक्शन दो, अपने को नया समझा। जो हाजिर वो वजी, जब दो योद्धा लड़ते ना मैदान में तो एक ही मौत मिलती थी, देख लेंगे समझ ले। कल का बच्चा तू मुंबई के अंडरवर्ल्ड को चैलेंज करेगा, चैलेंज करता है तू, कल का बच्चा मुंबई अंडरवर्ल्ड को चैलेंज, मुंबई के बिजनेसमैन वो बेचारे फिल्म इंडस्ट्री उनको दोबारा नहीं चलने देंगे, मुंबई में चलने नहीं देंगे तेरे। अगर मुंबई पुलिस इसको यहाँ पे ताबा ला रही है ना तो हिसाब में लाए, ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड के ना चैलेंज कर रहा है, मुंबई के मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है, मुंबई के यंगस्टरों को चैलेंज कर रहा है। अरे आज के यंगस्टर चाहे जैसे है मैं नहीं जानता, इसको उठाओ, इसको सबक सिखाओ भाई। हिंदुस्तान में ऐसे डॉन नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे डॉन है ना, अच्छे अच्छे गैंगस्टर है, देखो यूट्यूबर बनके बैठे, समझा, यूट्यूबर बनके बैठे, जरा समझ जा अभी भी, मत चैलेंज कर। बस इतना ही बोलना था तुम भाइयों को कि मेरी फिगर मत करो भाई, जो बोल रहे ना सुन लो। ये जो उड़ रहा है ना बापू में इनका बाप आजमा ले ले, बापू बाप दिखा दूंगा। जय जय महाराष्ट्र।